हे गाइस, वेलकम बैक टू सेकंड पार्ट ऑफ कार केयर किट वीडियो। अब आपको इस वीडियो में एक एक प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके दिखाएंगे और अपना रिव्यू देंगे। लेट्स गो। आप खुद देख लो इस कार की क्या कंडीशन है, कितनी गंदी हो रखी है। 700 किलोमीटर दूर से ट्रेवल करके आए हैं, जो देख लो कितनी गंदी है कार। इसको साफ करके दिखाते हैं आपको। अब इसको प्रेशर वाशर से वॉश कर देंगे, जितना डर्ट मिट्टी धूल धक्कर कचरा जो भी है वो सब अच्छे से साफ़ कर देंगे, कि जब हम लोग शैम्पू लगा के कपड़े से साफ़ करें तो स्क्रैच ना आए। इसके लिए पहले हम लोग अच्छे से इसको क्लीन कर देते हैं प्रेशर वाशर से, और उसके बाद हम फिर शैम्पू लगाएंगे। अब अपना शैम्पू डालेंगे। ये वही शैम्पू है जो अपने कार केयर किट प्रोडक्ट में मिला हुआ है, एवेक्स का कार वंडर एंड वंडर वॉश शैम्पू। तो इसको हम अच्छे अमाउंट में ले लेंगे। तो गाइज, कार की वॉशिंग हो चुकी है और हमारा नेक्स्ट है काम, तब तक कार को अच्छे से सूखने देते हैं। तो फिर उसके बाद में वैक्स लगाएंगे हम लोग। उससे पहले हम लोग डैशबोर्ड क्लीन कर लेते हैं और डैशबोर्ड ऑयल हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसमें आएगा हम लोग का वेबैक्स का लेदर एंड डैशबोर्ड कंडीशनर प्रोटेक्ट। मेरे पास है माइक्रोफाइबर क्लॉथ और एक एप्लीकेटर जो फोम एप्लीकेटर है, इसमें लगा के हम लोग लगाएंगे। तो आपको कंडीशन दिखा देते हैं पहले कैसा है। अभी ये देखिए डैशबोर्ड का कुछ कंडीशन ऐसा है जो काफ़ी गंदा है। अभी इसको हम लोग पहले साफ कर लेंगे, पहले हम लोग साफ कर लेंगे माइक्रोफाइबर क्लॉथ से। हम लोग पूरे बढ़िया से साफ कर लेंगे तो फिर हम आपको लगा के दिखाते हैं ये कैसा है। एक छोटे पार्ट पे आप लोगों को लगा के दिखाते हैं इसका रिजल्ट कैसे है। सो गाइस, ये अपना फोम एप्लीकेटर जिसपे हम कुछ अमाउंट ले लेंगे अपना वेबएक्स का लेदर कंडीशनर। उसके बाद हम इसको डैप कर करके, मैंने इसको माइक्रोफाइबर क्लॉथ से पहले से ही साफ कर रखा है डैशबोर्ड को। उसके बाद हम इनको थोड़ा थोड़ा करके सब तरफ स्प्रेड कर देंगे। फोम एप्लीकेटर से बहुत बढ़िया होता है, कभी भी कपड़े से करके और फोम से करके देखें आपको रियलाइज होगा डिफरेंस। इसको शाइनिंग तो तुरंत हो जा रहा है, बट इसको बफ करना होता है। तो थोड़ा पहले हम इसको मिला लें। स्प्रेड हो रहा है, ये तुरंत शाइनिंग आ जा रहा है। ये देखो यहाँ पे और ये डिफरेंस देखो यहाँ पे। चेक करते हैं स्टिकी है कि नहीं। नहीं गाइस, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, शाइनिंग सेम है आफ्टर बफ भी, बट बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। ये देखो आप देख सकते हो बिल्कुल नहीं हाथ में कुछ आया। तो अब इसके बाद हम लोग कानोवा वैक्स से हम लोग गाड़ी को वैक्स करेंगे, ये उसका एप्लीकेटर। उसके बाद
गाड़ी अपनी वॉशिंग हो गई, कुछ अच्छे चमक रही है, कंप्लीटली वॉश हो गई है गाड़ी, बढ़िया काम कर रहा है इसका शैम्पू। अब हम ये हम कुछ ड्रॉप ले लेंगे इसके ऊपर कुछ ड्रॉप ले लेंगे, उसके बाद इस पर एप्लीकेट करेंगे कुछ ऐसे। वैक्सिंग का काम पूरा कंप्लीट हो गया, ग्लास एरिया बॉडी पे पूरा जितना पेंट पार्ट है व्हाइट कलर में, ये ग्लास वगैरह में भी लगा दिए हैं। हाइड्रोफोबिक लेयर बना देता है जिससे बारिश में गाड़ी पे पानी नहीं रुकेगा। ग्लास पे पूरे अच्छे से लगा दिया, अब इसको बफ करेंगे एंगल ग्राइंडर मशीन से बफ पैड लगा के। अभी नेक्स्ट पार्ट है टायर गार्ड प्रोटेक्टर लगाने के लिए, तो ये अपना टायर गार्ड प्रोटेक्टर वेबक्स का, अब इसको अप्लाई करते हैं, दिखाते हैं आपको कैसा है ये। इसको स्प्रे मोड में लाएंगे और डायरेक्टली इसको कार के टायर पे स्प्रे कर देंगे, इसको इसको मिला देंगे ऐसा। गजब साइन होने लगा यार, तुरंत इसको सूखने के बाद बफ करना होगा आपको। मैंने इसको पहले अपने बाइक पे लगाया है एक बारी, पूरा हाइड्रोफोबिक लेयर बनाता है, और इसको अपने जितने भी कार के ब्लैक पार्ट्स हैं उस पर भी लगा सकते हैं, वहां पे भी बढ़िया काम करेगा ये। चाहे तो आप इस पर भी लगा सकते हैं, यहाँ भी शाइनिंग सरफेस आ जाएगा थोड़ा। तो गाइस हमने वैक्स कर दिया, टायर पॉलिश लगा दिया हमने, बाकी अब बचा है जो लास्ट काम, वो लास्ट नहीं सेकेंड लास्ट, अब हम करेंगे बफ एंगल ग्राइंडर से। हमने टायर गार्ड लगा दिया, शाइनिंग देख सकते हो आप। अब इसके बाद हम इसको थोड़ी देर में बफ कर देंगे, जैसा कि देख पा रहे हो दोस्तों हमारे पास दो, एक एंगल ग्राइंडर है और एक ड्रिल मशीन है। एंगल ग्राइंडर यूज करने से ज्यादा अच्छा रहता है, लेकिन ना इसमें हमारे पास स्पीड कंट्रोलर नहीं है जो कि ज्यादा बहुत स्पीड काम करता है, ये इसका आरपीएम बहुत ज्यादा होने के कारण इसमें स्पीड कंट्रोलर है हमारे पास, तो इसको हम लोग स्लो फास्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको लेके आया है। तो देखते हैं इसे इस्तेमाल करके, अगर नहीं अच्छा से काम करेगा फिर ग्राइंडर इस्तेमाल करेंगे। चलिए आइए हम बफ करके दिखाते हैं आपको। ये बफिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं गाइस। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, बहुत मुश्किल से यार मैंने बफिंग किया, देखो आप बहुत सुंदर शाइनिंग आ रहा है, परफेक्ट एकदम बढ़िया शाइनिंग कर रहा है। ग्लास एरिया पे मैंने किया, ग्लास बिल्कुल जो मार्क्स आ गए थे वाटर के वो सब मार्क्स कट के खत्म हो गए हैं। वैक्स का भी इस्तेमाल कर लिया, डैशबोर्ड लेदर कंडीशनर भी इस्तेमाल कर लिया, टायर पॉलिश भी। अब लास्ट एक चीज बचता है जिसका नाम है परफ्यूम, जो इसके साथ आता है, तो उसको भी आपको दिखाते हैं। ये रहा अपना परफ्यूम, कार एयर फ्रेशनर है ये देख लीजिए आप लोग। अब इसको भी
इस्तेमाल करते हैं, लास्ट में खत्म। ये काफी अच्छा स्मेल है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। काफी मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने के लिए, तो जरूर से लाइक सब्सक्राइब शेयर करें गाइज। थैंक्स, बाय।